बीकानेर में नकली नोटों की बड़ी फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। इस कार्रवाई में करोड़ों रुपए के नकली नोट बरामद किए जाने की सूचना है। बता दें कि जय नारायण व्यास कॉलोनी में नोखा और लून कर नसर पुलिस ने आईजी ओम प्रकाश के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। दावा किया जा रहा है कि नकली नोटों की फैक्ट्री पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बीकानेर में की गई है। आरोपियों ने 500 रुपए और 2000 रुपए के नकली नोट बनाने के लिए बकायदा एक मशीन लगा रखी थी। यहां छपने वाले नोट्स को हवाला में काम करने वाले नोट्स के साथ मिलाकर आगे भेजा जा रहा था। साथ ही साथ नोट को स्थानीय दुकानों में चलाने के बजाय सीधे हवाला में डाला जा रहा था, जिससे किसी को भनक तक नहीं लगे। नकली नोट छापने के आरोप में पुलिस ने अब तक 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिसमें 3 बीकानेर से हैं और 3 नोखा से हिरासत में लिए गए हैं। इन सभी से पूछताछ के बाद बड़ी संख्या में नकली नोट बरामद किए गए हैं। फिलहाल ये मात्रा 1 से 1.5 करोड़ रुपए के बीच में आंकी जा रही है। सुरपुरा का युवक इसमें मुख्य सरगना बताया जा रहा है। ये करोड़ रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं पुलिस के द्वारा। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बीकानेर नोखा में ये इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं बीकानेर से केके सिंह। जी केके सिंह, क्या है ये कुछ पूरा मामला और कहां तक ये इन्वेस्टिगेशन पहुंची है अब? ये देखिए, बताना चाहूंगा कि बीकानेर को बड़ी सफलता, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लगभग 2 करोड़ के आसपास के नकली नोट भारी मात्रा में बरामद किए गए हैं और लगभग 6 लोग जो बताए गए हैं अब तक कि पकड़े गए हैं उन्हें, और ये बड़े एक बड़ा गिरोह कहा जा सकता है। और भी काफी लोग उम्मीद की जा रही है कि इसमें पकड़ेंगे। और खास तौर पर अगर हम आपको बताना चाहेंगे कि मॉनिटरिंग पूरी है जो बीकानेर के आईजी ओम प्रकाश की रही है, और पूरी मॉनिटरिंग में पूरे बीकानेर जिले के अंदर इन्होंने खंगालते हुए कई दिनों से ये काम पर लगे हुए थे। और खास तौर पर आपको बताना चाहूंगा कि ये हवाला की जो जहां पैसे लेने देने का काम होता है वहां पे इन नोटों को खपाया जाता था। तो देखने वाली बात यह है कि कितने नोट अब तक मार्केट में आ चुके हैं। यह बड़ी बात है कि अब तक 1.5 से 2 करोड़ रुपया है जो काउंटिंग देर रात तक, मध्य रात्रि तक हमारे आईजी बीकानेर के ओम प्रकाश बता रहे थे कि बराबर हम लोग काउंट कर रहे हैं और तब तक इतने ही काउंट हो पाए थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि 3 इसमें बीकानेर के लोग हैं और 3 नोखा के, सुरपुरा के रहने वाले हैं। एक तरह से एक बड़ा ये क्राइम कहा जा सकता है। जी जी के एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस ने, और कितने लोगों की इसमें शामिल होने की खबर है सामने, इस बारे में कुछ अब जानकारी? देखिए, जैसा कि आईजी ओम प्रकाश ने हमको बताया कि ये प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है और 6 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन अभी भी ये माना जा रहा है कि ये गिरोह अभी तक ये बीकानेर जिला के नेटवर्क सामने आया है। बीकानेर के अलावा अन्य जिलों का नेटवर्क, उसके अलावा अंतर्राज्य गिरोह चूंकि उम्मीद की जा रही है, दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कई जगहों पर जहां भी हवाला का कारोबार चलता है वहां पर ये सभी लोग हैं। काफी बड़ी संख्या में उम्मीद ये की जा रही है कि लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि 2000 के नोट यहाँ इस टकसाल में छपते थे, 2000 के और 500 रुपए के जाली नोट छपते थे। बड़ा कारोबार एक तरह से कहा जा सकता है। पुलिस की नजर काफी दिन पे थी और अब एक तरह से बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। जी जी के तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे फोन लाइन पे हमारे साथ बीकानेर से केके सिंह, जिन्होंने पूरे मामले की जानकारी दी और अब तक इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और अब इस पूरी जांच में पुलिस जुट चुकी है। बीकानेर में नकली नोटों की फैक्ट्री में ये छापेमारी मारी गई, जहां बीकानेर, नोखा और वहां से ये करोड़ रुपए बरामद किए गए नकली नोट। हमारे साथ बीकानेर से जुड़े थे केके सिंह फोन लाइन पर, जिन्होंने पूरी जानकारी दी इस मामले के ऊपर।
कि किस तरह से नकली नोट छाप रहे थे ये छह लोग, और इन लोगों को अब हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस के द्वारा बताया गया है कि और भी लोगों के इसमें शामिल होने की आशंका है, इस पे इन्वेस्टिगेशन जारी है अभी। ये बीकानेर से खबर बता रहे थे हम आपको, बीकानेर में नकली नोटों की छापने की खबर सामने आई है और इसी खबर पर हमारे साथ आईजी जुड़ चुके हैं ओम प्रकाश फोन लाइन पे। जी ओम प्रकाश जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत है एवन टीवी में। जी नमस्कार। नमस्कार, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत ही बड़ी कार्रवाई आपने की अंजाम दिया है, जो नकली नोट छापे जा रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया है, और क्या जानकारी है और क्या कुछ खुलासे सामने होने बाकी हैं? लगभग महीने भर से हमारी टीम जो रेंज की टीम है वो इस पे कार्य कर रही थी जी, और एक कांस्टेबल के इनपुट को हमने आगे बढ़ाया और आगे चल के जो हमारी स्पेशल टीम है उसने इसमें काम किया, और जो संदिग्ध लोग थे उनके वेयर अबाउट पे हम नजर रख रहे थे, और कल हमने 2,74,00,000 रुपए के फेक नोट बरामद किए हैं इनसे, और 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 3 लोग नोखा की तरफ के हैं और 3 बीकानेर के। अजी ओम प्रकाश जी, और किन लोग और क्या क्या खुलासे अब इस इन्वेस्टिगेशन में होने के आसार हैं, इस बारे में कुछ? प्रथम दृष्टया यह तथ्य सामने आया है कि ये नकली नोटों को ये हवाला के जरिए आम जन में इसको प्रसारित करते थे जी। और इनके संबंध अन्य राज्यों से भी थे, दिल्ली और अन्य राज्यों में भी इनके संबंध है। कुछ एक और अपराधी भी है जिस गैंग से जुड़े हुए हैं, जिनके संबंध में दबिश दी जा रही है, और आने वाले समय में जब सबों से जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा तो एक इंटरस्टेट ब्यूरो का और भी खुलासा हो सकता है। जी ओम प्रकाश जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आईजी बीकानेर से